बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे सायं ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो मैं जब सायं ध्यान पर बैठूं, उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व उस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई, तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली के बच्चे को पेड़ पर बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई, सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे, अन्यथा कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने, उसके बाद जाने कितनी बिल्लियों मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं, यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियों पाल रखी है। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं।